तो गाइस अगर आपको 10,000 रुपये के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बेस्ट स्मार्टफोन ऐड करा है जो कि यहाँ पे आपको 10,000 से 11,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई इन सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको डिसेंट लेवल के फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके साथ आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले है एंड 6000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि हमने इस वीडियो के अंदर ऐड करें, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसके यहाँ पे हम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पे आपको साथ ही साथ बता चलेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और यहाँ पे एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे नंबर 3 से, जो है कि रेडमी 10। अभी लेटेस्ट ही ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, तो डिजाइन इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी मिल जाती है। बैक में प्लास्टिक मॉडल मिलती है एंड इसका वेट के बारे में बात करते हैं तो 203 ग्राम का यहाँ पे आपको वेट देखने को मिल जाता है। 9.13 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, यानी थोड़ा बल्कि स्मार्टफोन यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाती है 6000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको मिलती है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड इसके अलावा अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में रियर फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है और इसके अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। तो अब इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि एक वाटर डाउन नॉच के साथ देखने को मिलती है। IPLCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले एंड यहाँ पे आपको मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्ट। तो देखो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे आपको लंबी देखने को मिल जाती है और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है एंड 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो भाई अब फिलहाल के अंदर दिखाएंगे 4 कैमरा, बट वहाँ पे 2 कैमरा काम करते हैं। तो अब कैमरे की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो देखो डे लाइट में ये स्मार्टफोन अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर है। डेली यूज़ के लिए स्मार्टफोन अच्छा रहेगा, गेमिंग वगैरह कर सकते हैं 40 FPS तक, तो अच्छा स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छी प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4GB RAM 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 11,000 रुपये मिल जाती है। और भाई अभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे सेल वगैरह चलते रहते हैं और बैंक वगैरह ऑफर चलते रहते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये के अंदर पड़ जाएगा। तो जितने भी मैं स्मार्टफोन बता रहा हूँ उन सभी पे बैंक वगैरह ऑफर लगा के ही ये स्मार्टफोन आपको 10,000 से 11,000 रुपये के अंदर पड़ेंगे। तो सारे स्मार्टफोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो जल्द से जल्द 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर का स्मार्टफोन है, यहाँ पे हमने 2 स्मार्टफोन को ऐड करा है, जो कि टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 11। तो भाई इन दोनों स्मार्टफोन में आपको डिफरेंट काफ़ी देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 8 प्रो के बारे में बात करते हैं, फिर इसके अलावा इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे बैक में प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, तो डिज़ाइन वगैरह मुझे इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 8.7 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, तो यानी लाइट वेट स्मार्टफोन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा सकते हैं। तो अभी इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है और इसके अलावा फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक IPLCD पैनल है। तो मतलब इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा लंबी मिल जाती है, यानी अगर आप स्टडी वगैरह करते हैं या फिर आप मूवी वगैरह देखने के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले हो सकती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। 5000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको मिलता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड मीडियाटेक का हेलो G85 वाला प्रोसेसर मिल जाता है।
तो जो कि पिछला स्मार्टफोन है स्नैपड्रैगन का 680 वाला, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, 19-20 अंतर रहेगा, तो अच्छी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कैमरे के बारे में बात करते हैं तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, और इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, जो कि यह काफ़ी अच्छी बात हो जाती है टेक्नो के स्मार्टफोन में आती हैं इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा जो कि टेक्नो के स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी थोड़ी एवरेज होती है तो इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। एंड अब इस स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको अराउंड 10,000 रुपये मिल जाती है। तो अगर आपको चाहिए एक लंबी डिस्प्ले यानी गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर एक मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो आप लंबी बैटरी मिल जाए, अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हो, गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स नोट 11, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिलता है एंड इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक चेंजेस देखने को मिल जाता है, यानी इस स्मार्टफोन के अंदर जो कि टेक्नो का स्मार्टफोन है वहाँ पर आपको IPS LCD पैनल है डिस्प्ले के अंदर, और जो इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है वहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और इसके अलावा 700 nits की पीक ब्राइटनेस है, यानी इंडोर आउटडोर में यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के अंदर, और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट लेवल की मिल जाती है, जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है। उस स्मार्टफोन की प्राइस यहाँ पर आपको 9,500 रुपये मिल जाती है, और बैंक वगैरह ऑफर लगाएंगे तो वही 8,500-9,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई इसके अलावा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 11 काफी ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो नंबर 1 वाले स्मार्टफोन पे चलते हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 पे रखने का रीज़न भी है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो कि Moto G31, देखो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह एकदम नॉर्मल देखने को मिल जाती है, तो ये स्मार्टफोन डिज़ाइन के मामले में थोड़ा वीक हो जाता है। इसके अलावा इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन Android V11 पर रन करता है, डुअल सिम स्लॉट मिल जाता है, यानी एक सिम लगा सकते हैं और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आप 6.47 इंच की फ्लैश डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि इसके साथ आपको मिलता है नॉर्मल 60Hz का स्मूथ डिस्प्ले है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है, कलर वगैरह डिसेंट लेवल के मिल जाते हैं, एंड इसके अलावा 700 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, यानी इसके अलावा इंडोर आउटडोर में यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिलती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी है, 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे देखो MediaTek का हेलो G85 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, यानी डेली यूज़ के लिए स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, अगर हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो नहीं सकती, 40 FPS तक इसी स्मार्टफोन के अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं, स्मूथ में अल्ट्रा गेमिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरे के बारे में बात करते हैं तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो भाई नो डाउट कैमरे की क्वालिटी इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, और इसके कैमरे के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, यानी बहुत से फीचर मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, अब इस स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिलती है 11,000 रुपये, और इसके अलावा यहाँ पर आपको चल रहा है एक ऑफर वगैरह भी चलते रहते हैं, बैंक वगैरह ऑफर होते हैं, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है, जो कि फर्स्ट नंबर पर रखने का रीज़न भी था, तो यहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आपको चाहिए एक क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए, इसके अलावा अच्छा कैमरा सेटअप हो, और तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक और स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है मोटोरोला की तरफ से, Motorola G32, तो वहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है, तो आप उस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको कम बजट में एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि Poco M4 5G स्मार्टफोन लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है, जो कि इसकी प्राइस आपको काफ़ी कम बजट
बजट में देखने को मिल जाती है। तो भाई जो 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, तो इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी, प्रीमियम सी डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड V12 रन करता है जो कि लेटेस्ट है, काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यानी दो सिम लगा सकते हैं और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 8.9 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, तो लाइट वेट स्मार्टफोन मिल जाता है और 200 ग्राम का ये स्मार्टफोन आपको मिलता है। अब इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो 6.58 inches की फ्लैश डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक IPS CD पैनल, जिसके साथ आपको मिलता है 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले, तो जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। एंड इसी के साथ आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, और इसी के साथ आपको मिल जाती है 1500 nits की पीक ब्राइटनेस, यानी इंडोर आउटडोर में यूज़ करेंगे तो भाई तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाती है एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, यानी गेमिंग के समय यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। एंड 5000 mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एंड इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है Dimensity 700 वाला प्रोसेसर है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और यहाँ पे आपको 6 से 7 बैंड मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, इसमें 12 कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50MP का है और 8MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको नॉर्मल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, एवरेज कैमरा सेटअप यहाँ पे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, डुअल स्टीरियो यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। एंड इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 12,500 रुपये के अंदर, और कार्ड वगैरह लगाएंगे तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 11,500 से 11,000 रुपये के अंदर मिल जाता है, और ऑफलाइन में ये स्मार्टफोन को 10,500 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कम बजट में एक 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई ये थे आपके 2022 के बेस्ट स्मार्टफोन, जो कि आपको 10,000 से 11,000 रुपये के अंदर मिलते हैं। तो ये स्मार्टफोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं। लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उन्हीं स्मार्टफोन को मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड कराया, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसी को कौन सा स्मार्ट बाय करना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन, तो आप पोको M4 के साथ जा सकते हैं, जो कि 5G स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा फास्ट चार्जिंग भी चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए, तो आप इन्फिनिक्स नोट 11 के साथ जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है 9,000 से 9,500 रुपये, तो आप टेक्नो स्पार्क 8 Pro के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा फीचर मिल जाता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।